निकाह के एक दिन पहले दहेज की नई मांग से परेशान पिता का चेहरा देख बेटी ने निकाह करने से मना कर दिया। दुल्हन के जोड़े में बेटी की हिम्मत देख पिता ने भी उस फैसले का साथ दिया। हुआ यह था कि बोराज रोड संजय नगर निवासी रफीक अली की बारात जनकपुरी इलाके में रहने वाली लड़की सोनी के साथ आज निकाह होना था। बार बार दुल्हन के पिता से दूल्हे के परिजन किसी कमी पर कमेंट कर रहे थे। हद उस समय हो गई जब दूल्हे ने शनिवार को लड़की के पिता को फोन किया और दहेज के 5 लाख रुपए की मांग की। जब लड़की के पिता और भाई रफीक को समझाने गए तो रफीक ने उनके साथ धक्का मुक्की कर घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से नाराज लड़की ने रफीक अली के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। गंज जनकपुरी के पास रहने वाले संजय नगर चौराहे से बारात आने वाली थी आज रात 8 बजे और कल उनका फोन आया और 5 लाख की डिमांड करी है। मेरे भाई पापा गए ना समझाने तो मेरे पापा और भाई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, कितना टाइम हो गया सगाई को आपके? 3 महीने। 9 अगस्त को जी। क्या बात हुई है? उनका फोन आया, बोला कि पापा, पहले तो बताया जिस दिन रिश्ता देखने आए थे मुझे, उस दिन हमने पूछा कि पापा कहाँ है तो उन्होंने मना कर दिया कि पापा नहीं है जी। तो और कल डायरेक्टली फोन करके बोल रहे पापा की हमारी इज्जत नहीं करी, हमारे पापा हैं, हमें पापा को लेना देना कुछ ही नहीं करा। और फिर पापा को गुस्सा है तो पापा मेरे गए बातचीत करने घर पर समझाने गए कि क्या बात है क्या नहीं बात है, तो उन्होंने पापा के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी थी और बोले कि हमारे इतने पैसे लगे हैं 5 लाख रुपए, हमें 5 लाख रुपए चाहिए। डिमांड कर रहे थे जी। तो आज निकाह था आपका जी? किसके साथ था? मोहम्मद रफीक। आज मुकदमा दर्ज कराया जी? मुकदमा दर्ज कराने आया था। हाँ। कहाँ पे आए आज? गंज थाना। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं आती, जो हमारे मेरे पापा के साथ बेइज्जती करी है आके माफ़ी मांगे और जो हमारे नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, और शादी मैं नहीं करना चाहती उस इंसान से। समाज में बेइज्जती हुई आपकी, परिवार की, पापा की? हाँ, बेइज्जती तो हुई लेकिन उसको मुँह तोड़ जवाब देना था। बेइज्जती मेरी नहीं हुई है, उसकी हुई है। तो ऐसे उसने हरकतें दहेज मांग के उसने खुद की इज्जत गिराई है जी। ये मामला था, सईद रफीक अली नाम का लड़का है जो नागफणी में रहता है, उसकी 19 अगस्त को सगाई तय हुई थी जनकपुरी में और 25 नवंबर की शादी तय हुई थी। आज बारात आनी थी इनके यहाँ, लेकिन कल रात को इनको किसी बात को लेकर या कोई पैसे की मांग को लेकर आपस में कुछ कहासुन हुई, उसके बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। लड़के पक्ष द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच की जा रही है। कोई डिमांड की बात आ रही है सामने, डिमांड की गई है तो उस पर भी कुछ? हाँ, इन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए की मांग करी है, उसको तफ्तीश कर रहे हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।